भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया मस्टर्ड ऑयल, इसमें डाल देते हैं थोड़े से जीरे, हाफ टेबल स्पून जीरा है। जीरा के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन मैंने यहाँ 6 से 7 ले लिए हैं, उन्हें बारीक कट कर लिया है। अब इन्हें हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाने देना। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पे एक बड़ा प्याज है, उसे लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम में से ऐसे ही चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन चेंज नहीं हो जाता। इसे हम इसी तरह मीडियम फ्लेम में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और लास्ट में लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा डाला है। सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप कश्मीरी मिर्च पाउडर डालते हैं तो उससे ये कड़वी भी नहीं होगी ज़्यादा और इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ करा। सारे मसाले हमने अच्छे से मिला लिए हैं। तो अब हम डाल देते हैं यहाँ पे हरी मिर्च। मैंने यहाँ 7 हरी मिर्च ली है। अगर आप ज़्यादा तीखी सब्जी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 8 से 9 भी ले सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर, मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं, उन्हें कट कर लिया है। लास्ट में नमक, नमक यहाँ 1 टेबल स्पून है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। नमक हमें टमाटर के तुरंत बाद डालना है, उससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है और टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। तो हम अच्छे से चला देते हैं और इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इन्हें मीडियम फ्लेम में अच्छे से गला लिया है 5 मिनट के लिए। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अगर आप अच्छे से गला लेंगे टमाटर तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ अब हम डाल देते हैं भिंडी। भिंडी को मैंने नॉर्मल कट कर लिया है, ना ये छोटे हैं ज़्यादा पीस ना ही बड़े हैं। सारे मसालों के साथ अच्छे से भिंडी को चला देंगे इस तरह से। अगर आप इस तरह भिंडी की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से वेपर से, भाप से अच्छे से ये पक जाए। मीडियम फ्लेम कर देनी है। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं अच्छे से ये अंदर तक पक गई है। 10 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है। इस तरह हमारी भिंडी की सब्जी बन गई है। अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़े इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये अच्छे से पक गई है। आप देख सकते हैं बस इतनी हमें पकानी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। हमारी भिंडी की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी भिंडी की सब्जी इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें।